तो बच्चों क्या हाल है आपके, SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विके सिंह। तो बेटा आज का जो वीडियो है ये मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ बेटा रीनीट और नो रीनीट के ऊपर कि रीनीट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। देखो इसके ऊपर अभी कोई भी फाइनल जवाब दे दे मैं नहीं मानता कि कोई भी यूट्यूब पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक फाइनल 100% श्योर जवाब इसका दे सकता है। मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स दे रहा हूँ, आप उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे एक फाइनल आंसर इसका बनाना, ठीक है। चलो बेटा देखो शुरुआत करते हैं कि जब पहले दिन ये केस आया कि नीट के पेपर में गड़बड़ हुई है, पहला दिन जिस दिन नीट का एग्ज़ाम था उसी दिन पटना के अंदर सेंटर से बाहर कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिनके पास ये बोला गया कि पेपर की कॉपी मौजूद थी, ठीक। और जिस बंदे के पास ये चीज़ें मौजूद थी और जो कैंडिडेट पकड़े गए वो इससे पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल काट कर ही बाहर आया था, पहला केस। दूसरा नीट के दूसरे सेंटर गुजरात में गोधरा सेंटर पर भी इसी तरह की बातें हुई और लास्ट कुछ जगह पर OMR जो कि स्कैम बोलते हैं, जैसे कि OMR शीट को बाद में भरना एग्ज़ाम के बाद, ये चीज़ें भी सामने आई और फिर न्यूज़ की भरमार हो गई। और फिर बेटा जो न्यूज़ देखो वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को कवर कर रहा था। अब कई लोगों ने इसके अंदर ऑडियो प्रूफ, वीडियो प्रूफ, लीक प्रूफ्स, बहुत सारी चीज़ों को सामने लेकर आया गया। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी तो वहां पर वैकेंट जो वैकेंसी पर जो बेंच बैठती है उन्होंने इस बात की सुनवाई की और सुनवाई के अंदर उन्होंने तारीख को 8 जुलाई कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट की वेकेशंस ख़त्म हो जानी थी और CY चंद्रचूड़ जी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस को सुनेंगे, ये बात फाइनल हुई। उसके बाद 8 तारीख को ये हियरिंग स्टार्ट होती है। 8 तारीख की हियरिंग के अंदर बहुत बातें हुई लेकिन NTA ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि कोई लीक हुआ है पेपर। इससे पहले भी अगर हम जाएं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नीट लीक नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर देखें तो ट्वीट पे ट्वीट NTA ने भी डाले और गवर्नमेंट की तरफ से भी यही था कि नीट मास लेवल पर लीक नहीं हुआ है, ये सारी बातें बोली गई। और अब बात करें कोर्ट के अंदर भी ये स्टैंड चेंज नहीं हुआ, ये स्टैंड बरकरार रहा। लेकिन दूसरी तरफ से डिमांड थी कि रीनीट हो या री वैल्यूएशन ऑफ मार्क्स हो या किसी भी तरीके से जो ये लीकेज हुई है उस लीक करने वाले लोगों को पकड़ें, गलत लोग जो गलत बच्चे फ़ायदा उठाकर लिस्ट में आ गए हैं जो कि रिजर्विंग कैंडिडेट्स की सीट खाएंगे उन्हें बाहर किया जाए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA से ये पूछा कि आप किस तरीके से पेपर को छापते हैं, प्रिंट होने के बाद एग्ज़ाम सेंटर तक एक पेपर कैसे पहुँचता है और जो विदेशों में पेपर होता है वो कैसे होता है, मतलब वो ये जानना चाहते थे कि किस तरीके से पेपर सर्कुलेट होता है और कहाँ लीक हो सकता है और क्या साइबर तरीके से ऑनलाइन तरीके से भी पेपर को शिफ्ट किया जाता है या सिर्फ हार्ड कॉपी में, ये चीज़ NTA से पूछी गई। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी 10 तारीख तक सबमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट में, यही लास्ट डेट थी। और उन्होंने वो रिपोर्ट बनवाई IIT मद्रास की हेल्प से जिसके अंदर ये बात मेंशन थी कि मास पेपर लीक नहीं हुआ है, जिन सेंटर पर ये लीक हुआ भी है पेपर या जो गलत काम हुए हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, पटना की जो एवरेज मार्क स्कोरिंग एवरेज है नीट में वो भी कम है, गुजरात में भी सेम सिनेरियो है, पेपर का लेवल कम था और एग्ज़ाम का सिलेबस रिड्यूस हुआ, दैट इज़ वाई ये कट ऑफ बढ़ा, ऐसा रिपोर्ट सबमिट हुआ। CBI की रिपोर्ट में जो बातें हैं वो पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आई क्योंकि वो सील पैक्ड है, लेकिन जो बातें समझ में आई वो सिर्फ ये आई कि पेपर मास लेवल पर लीक नहीं हुआ। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी CBI से, क्या ये पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है, क्या बहुत ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए हैं, क्या इसके लीक होने से जो कट ऑफ में जो अंतर आया है ये लीक होने की वजह से ही आया है, क्या बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं इसका फ़ायदा उठाकर आगे तक पहुँच गए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि रीनीट एक फाइनल रास्ता होगा अगर मास पेपर लीक प्रूफ हो जाता है तो। इसका मतलब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने AIPMT के केस में ये बात बोली थी कि अगर एक बच्चे को भी गलत तरीके से बेनिफिट मिला है तो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इस केस में इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि मास पेपर लीक मतलब बहुत बड़े लेवल पर लीक की अगर एविडेंस मिलेंगे कि पेपर ऑनलाइन सर्कुलेट हो गया था टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर या किसी भी थ्रू अगर होगा तो ही आगे फर्दर एक्शन पूरे एग्ज़ाम पर लिया जाएगा, नहीं तो
पूरे एग्जाम पर नहीं लिया जाएगा और जो मार्क्स बच्चों के हैं उसी मार्क्स पर फिर काउंसलिंग होगी और गलत लोगों को पकड़ा जाएगा। तो बेटा ये समझ लीजिए सीबीआई इस बात को प्रूफ करने में असमर्थ हुई अभी तक कि पेपर मास लेवल पर लीक हुआ था या सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था। इस बात को सीबीआई प्रूफ नहीं कर पाई आज की हियरिंग में, मतलब आज तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होने से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एनटीए ने एफिडेविट डाले थे कि रीनिट नहीं होना चाहिए क्योंकि मास लेवल लीक नहीं हुआ है और 23 लाख से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, वो बहुत परेशानी में चले जाएंगे, ये उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया था। तो बेटा अब जो रीनिट चाहते हैं बच्चे, तो बेटा रीनिट के चांसेस तो इस टाइम कम है क्योंकि सीबीआई एक ओनली आपके लिए एक संस्था है जो अगर मास लीक का एविडेंस ले आई होगी, जो कि उन्होंने सबमिट कर भी दिया है। अब उसकी सुनवाई नेक्स्ट हियरिंग 18 जुलाई को होने वाली है, 18 जुलाई को ये क्लियर हो जाएगा कि रीनिट होगा या नहीं, जिसके चांसेस अब बेटा कम हो गए हैं क्योंकि सीबीआई एविडेंट प्रूफ नहीं ला पाई है, क्योंकि आज वो दलीलें जो दे रहे थे उससे साफ समझ में आ रहा था। और एनटीए अपनी दलीलों में काफ़ी स्ट्रांग है कि मास पेपर लीक हुआ ही नहीं तो रीनिट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका ये मतलब है बच्चों कि अब सीबीआई इंटेंशनली ये काम कर रहा है या नॉन इंटेंशनली ये काम कर रहा है, और आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो एक्चुअली में राइट रिपोर्ट है या नहीं, बेटा ये इस बात को कहना बहुत मुश्किल है और हम ये बात बोल भी नहीं सकते क्योंकि बेटा अभी हम इतने बड़े चैनल नहीं हो गए हैं कि हम इतने बड़ी संस्थान पर किसी प्रकार का आरोप लगा सकें, क्योंकि बेटा आप उनकी पावर जानते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का इस टाइम सपोर्ट रीनीट ना होने की तरफ ही है। कई बच्चे हैं जो रीनीट नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो तैयारी उन्होंने इतने साल भर की है वो शायद अब कुछ दिनों के अंदर अगर रीनीट होता है और कुछ दिनों का समय मिलता है तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे, जबकि कुछ बच्चों का ये कहना है कि मार्क्स हमारे ज़्यादा हैं फिर भी हम रीनीट चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि गलत बच्चे इस लिस्ट के अंदर आ जाएं या जितने नंबर हमें मिले हैं इस नंबर पर हम एक अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हैं जो कि हमें नहीं मिल पाएगा। कुछ बॉर्डरलाइन बच्चे भी हैं जिनके नंबर थोड़े ही कम हैं जिससे कि वो कुछ नंबरों से ही इस बार जीएमसी नहीं ले पाएंगे, तो वो रीनीट चाहते हैं ताकि उनको लगता है कि एक चांस मिलेगा तो वो अपने मार्क्स थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और वो सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स सच में बहुत ज़्यादा कम हैं तो रीनीट अगर हो भी जाएगा तो उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, 150, 200, 250 वाले बच्चे, 300 वाले बच्चे, क्योंकि अगर बच्चों रीनीट हो भी गया तो 2 महीने का भी अगर टाइम मिल गया तो अब 2 महीने के अंदर बेटा 650 नहीं स्कोर कर पाओगे, ये पूरे साल की तपस्या है, दो दो साल तीन तीन साल की तपस्या है बेटा, 11th 12th और उसके बाद बच्चे ड्रॉप ईयर में जाते हैं तो उसके अंदर वो तपस्या करते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, तब जाकर बच्चों ये 600 प्लस 650 प्लस 700 का मार्क नंबर अचीव होते हैं, है ना। उन बच्चों की बात अलग है जिन्होंने पैसा देकर एग्ज़ाम को पेपर ले लिया था, उनकी बात तो अलग है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात मैं आपकी कर रहा हूँ। तो बेटा आपके लिए कुछ फ़ायदा नहीं है, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस टाइम टाइम पास कर रहे हैं तो आप बेटा टाइम पास ना करें। तो बेटा यही इस वीडियो के अंदर एक फाइनल कंक्लूजन था, मैंने आपको बता दिया है कि रीनीट होगा या नहीं होगा और होगा तो कब होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और चांसेस भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपकी हेल्प नीट की प्रिपरेशन से लेके नीट की काउंसलिंग और नीट एडमिशन तक करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है विक्की सिंह और बेटा इस चैनल के सोशल मीडिया नेटवर्क जो है जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कि बेटा हैंड रिटन नोट्स एंड हैंड और बेटा प्रेफरेंस लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ काउंसलिंग लिस्ट, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है सोशल मीडिया साइट्स पर, उनके लिंक इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है। मेरा नाम विक्की सिंह है, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो द विक्की सिंह TheVikkiSingh नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, और आप बेटा चाहें तो इस चैनल के लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी काउंसलिंग रिलेटेड या नीट रिलेटेड जो भी तरह की क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाता है, और उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी आएगा जब आप इस चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर देंगे। और आप चाहें तो इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, मेंबर्स बनने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट बना के मिलेगी और मेंबरशिप कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, आप काउंसलर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और आपको वो लिस्ट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट के आसपास ही पड़ेगी, और मेंबर्स के सवालों के जवाब भी जल्दी दिए जाते हैं, आपकी क्वेरी जल्दी सॉल्व की जाती है, और भी मेंबर्स के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।